हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल। गुरुजी, आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं, जो कि है हाउ टू रिकवर एरर्स इन स्टैट प्रो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं प्रीमियम कंटेंट, रिकवरी कैसे किया जाता है कोई भी एरर्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स एंड इट्स रिकवरी। सबसे पहला है एरर इलास्टिक मॉड्यूलस नॉट एंटर्ड फॉर मेंबर एलिमेंट सॉलिड नंबर, या दूसरा एरर आता है सेक्शन प्रॉपर्टी नॉट एंटर्ड फॉर मेंबर एलिमेंट सॉलिड नंबर। नीचे आप देख पा रहे कि इस तरीके से आपका एरर आएगा कोई भी सेक्शन से रिलेटेड, तो आपको रिजॉल्व कैसे करना है। तो आइए स्टैट प्रो की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, स्टैट प्रो में मैं प्रॉपर्टीज के अंदर हूं। देखिए, इलास्टिक मॉड्यूलस नॉट एंटर्ड बोल रहा है, डेंसिटी नॉट प्रोवाइडेड बोल रहा है, तो आपको यहां पे प्रॉपर्टीज के पैलेट में जाना है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई है, यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई है। प्लेट थिकनेस दिख रहा है आपको, यहां पे कॉलम्स की प्रॉपर्टी दिख रही है, और बीम्स की प्रॉपर्टी में जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे सभी बीम्स में तो दिख रहा है, लेकिन यहां पे देखिए ये बीम कहीं ना कहीं बचा हुआ है। तो ये है एक एरर कि अगर गलती से आप कहीं प्रॉपर्टीज डालना भूल गए तो आपको एरर आता है। यहाँ पे देखिए, मैं इसको एनालाइज करता हूँ डायरेक्टली, और अब आपको दिखेगा कि एनालाइज करने के बाद जो एरर आ रहा है यहाँ पे, देखिए एरर क्या है। एरर है इलास्टिक मॉड्यूलस नॉट एंटर्ड, ठीक है, सेक्शन प्रॉपर्टीज नॉट एंटर्ड फॉर मेंबर नंबर। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, इसको यहाँ पे क्लिक किया आपने, देखिए इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है तो कंट्रोल के साथ ये मेंबर को सेलेक्ट करेंगे और असाइन टू सेलेक्टेड बीम में असाइन की मीटिंग में मिलेंगे यस। तो अब आप देखेंगे कि एनालाइज करने पे ये रिकवर हो चुका है। देखिए, कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब हो गया है ये रिकवर। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी डेंसिटी से रिलेटेड आया तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टीज में जाके आपको सॉल्व करना है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ एरर भी आ सकता है आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जो लगी है और मटेरियल है कॉन्क्रीट, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, और इन केस कभी ये मटेरियल्स अनचेक रहा, ओके, कभी अगर मटेरियल्स अनचेक रहा तो इस केस में भी डेंसिटी नॉट प्रोवाइडेड वाला मैसेज आपको एरर मैसेज शो करेगा। इसलिए ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जरूर आपको मटेरियल को चेक करते हुए यहाँ पे जरूर देखें कि मटेरियल कॉन्क्रीट यहाँ पे एडॉप्ट किया गया है कि नहीं, ओके। तो ये थी पहली रिकवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे एरर पे, जो कि है एरर इन सपोर्ट इनपुट और देयर इज नो सपोर्ट इनपुट। बहुत आसान है ये, साफ साफ समझ में आ रहा है कि सपोर्ट नहीं दिया गया है इसलिए ये एरर आया। तो बहुत आसानी से इसको रिकवर किया जा सकता है, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक ज्योमेट्री बना के रखी हुई है और यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है प्रॉपर्टीज। सपोर्ट में आप देख रहे हैं कि सपोर्ट प्रोवाइडेड नहीं है। इन केस कभी ऐसा हो कि आप सपोर्ट लगाना भूल गए तो ये एरर जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है, क्रिएट में जाना है, सपोर्ट लेना है, आपने लिया फिक्स सपोर्ट मान लीजिए, और फ्रंट व्यू में जाके सभी को स्क्रॉल करके आपने सेलेक्ट किया ड्रैग करते हुए, और यहाँ पे देखिए आप नीचे में असाइन टू सेलेक्टेड नोट्स में असाइन करेंगे यस। तो अब आप देखेंगे यहाँ सभी में सपोर्ट लग चुका है। अब आप एनालाइज करके चेक करेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा एरर हो चुका है रिकवर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है एनालिसिस कैन नॉट बी परफॉर्म सिंस नो लोड केस। एनालिसिस कैन नॉट बी परफॉर्म सिंस एम्प्टी लोड केस। अगर कभी ऐसा मैसेज आपके सामने आए, ऐसा एरर आए, तो आपको समझ जाना है कि आपने लोड अप्लाई नहीं किया है, और बिना लोड अप्लाई किए, बिना सपोर्ट अप्लाई किए, बिना प्रॉपर्टी दिए एनालिसिस नहीं हो सकता, डिजाइन नहीं हो सकता। इसलिए ये सब बेसिक्स एरर है, आपको ध्यान देना है, ये गलती ना करें। तो आइए इसको रिकवर कैसे करते हैं जानते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने ज्योमेट्री रेडी किया है, प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद हमने सपोर्ट भी पुट किया, लेकिन लोड्स एंड डेफिनेशंस में जैसे आप जाएंगे यहाँ पे कोई भी लोड नहीं दिखेगा। तो इन केस यहाँ पे आ सकता है एरर, इसलिए आपको यहाँ पे लोड अप्लाई करना पड़ेगा। लोड अप्लाई करने के लिए सिंपली मैंने बताया है ऑलरेडी कि लोड केस डिटेल में ऐड करना है आपको, और यहाँ से आपको डेड लोड लेते हुए हमने यहाँ पे लिखा डेड लोड, और उसके बाद ऐड करते हुए क्लोज किया, और यहाँ पे अप्लाई करना है आपको सबसे पहला लोड जो ऑलरेडी मैंने बता के रखा है सेल्फ वेट। ऐड किया आपने, क्लोज किया, क्लिक असाइन टू व्यू जरूरी है, नहीं तो असाइन नहीं करेगा। असाइन किया यस, और अब ये एनालाइज जब आप करेंगे तो देखेंगे कि ये रिकवर हो चुका है। यहाँ पे देखिए, कोई भी एरर आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज अब ये इटसेल्फ में कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर पे। नेक्स्ट एरर है हमारा फिनिश कमांड इन लोड डाटा, या फिर अबव लाइन कंटेन्स इनोनियस डाटा। अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आपको समझना है कि मतलब एनालिसिस के पार्ट में आप कुछ भूल गए हैं,
तो आइए देखते हैं इसको कैसे रिकवर किया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी सपोर्ट लोड और सारी चीज अप्लाई कर दी गई है और यहाँ पे मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ इसको एनालाइज। और एनालाइज करने पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे एरर शो कर रहा है। भाई ये एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने एग्जैक्टली क्या किया कि एनालिसिस का जो प्रोसीजर है उसमें एक छोटी सी चीज आप भूल गए। क्या है एनालिसिस के प्रोसीजर में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पहली बार जब आप एनालाइज करेंगे तो कमांड्स में जाके एनालिसिस देन परफॉर्म एनालिसिस ऑल ओके ये करना जरूरी है। उसके बाद डायरेक्टली आप एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली एनालाइज करने पे ये एरर शो करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पहले परफॉर्म एनालिसिस देन एनालाइज करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ये रिकवर हो चुका है। ओके आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एरर में। नेक्स्ट हमारा एरर है कंसेक्यूटिव एनालिसिस कमांड ओनली फर्स्ट यूज। ये देखिए कभी कभी ये एरर में भी आता है, कभी कभी वार्निंग में भी आता है। कंसेक्यूटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने एक बार ही एनालाइज करना है। जो परफॉर्म एनालिसिस में आप एनालिसिस का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसको सिर्फ एक बार ही करना है। अगर आपने दो बार किया तो आपको ये वार्निंग या एरर शो करता है। इसलिए ध्यान से देखिए आपको क्या करना होगा इसको रिकवर करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज लोड सपोर्ट सारी चीज अप्लाइड है ऑलरेडी। अब मैं इसके जाता हूँ स्टैट एडिटर में, तो आप देखेंगे कि हमने गलती से दो बार परफॉर्म एनालिसिस कर दिया यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि इसको रिकवर कैसे करेंगे आप, कोई भी एक यहां से मैंने इसको सेलेक्ट किया और कट का सिंबल और किया सेव। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अब डायरेक्टली आपको एनालाइज करना है। देखिए एक ही बार आपको परफॉर्म एनालिसिस करना है, देन आप एनालाइज करेंगे डायरेक्टली और अब देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एरर में। नेक्स्ट हमारा एरर है एरर्स इन यूनिट्स ऑफ टोटल लेंथ विड्थ और क्लियर कवर। ये डिजाइन पार्ट का एरर है। इन केस कभी आपने क्रॉस सेक्शन गलत दे दिया, विड्थ गलत दे दिया, तो ये एरर आपको आएगा ही। तो देखिए इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज में जाके एक बार इसका क्रॉस सेक्शन को बहुत ही बारीकी से चेक कर लेना है कि आपने यूनिट में कोई गड़बड़ तो नहीं की। कभी कभी हम देखते नहीं, वहां पे एमएम होता है और मीटर्स की तरह हम यूनिट ले लेते हैं, इसलिए आती है यहाँ पे गड़बड़ी। तो आइए देखते हैं कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सारी चीज अप्लाइड है और सेम प्रोसेस हमने रिपीट किया, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है और ये एरर शो कर रहा है। तो ये मिस्टेक क्या है पहले इसको पहचानना है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज में आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यूनिट तो सही है, 300 mm में ले रहा है, ये वाईडी डेप्थ 230 ले रहा है, लेकिन सेकेंड वाले में जब आप बी में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 30 और 23, मतलब यहाँ पे हो गई एक मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको करना है इसको ठीक। तो 300 और मैंने ले लिया 230, चेंज किया यस क्लोज और इसके बाद डायरेक्टली आपको एक बार एनालाइज करना है। देखिए एनालाइज यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिपोर्ट फाइल ओपन है। तो इसको आपको कट करना है, देन आप एनालाइज कर पाएंगे। यहाँ पे किया मैंने सेव और आप देखेंगे कि अब वो एरर रिकवर हो चुका है। तो जीरो एरर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी सेक्शन जब आप प्रोवाइड करें तो प्लीज यूनिट जरूर चेक करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एरर में। नेक्स्ट एरर है अप्लाइड सेल्फ वेट इज लेस देन द टोटल वेट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स इन लोड केस। कभी अगर ऐसा आपको एरर आता है या वार्निंग आता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। देखिए कुछ ऐसे वार्निंग्स है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वार्निंग्स है जिसको आपको ठीक करना बहुत जरूरी है। ओके तो आइए इसको कैसे ठीक करेंगे। देखिए बोल रहा है अप्लाइड सेल्फ वेट इज लेस देन द टोटल वेट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको सेल्फ वेट को कैसे आप ठीक करेंगे, क्या गलती आपने किया पहले तो ये समझ लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल मिस्टेक क्या हुई। आपने बनाया यहाँ पे बीम कॉलम और उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे सेल्फ वेट और फिर आपने बनाया है यहाँ पे प्लेट्स, देन आपने फिर से एनालाइज किया। तो यहाँ पे प्लेट का जो सेल्फ वेट है उसको कैरी नहीं किया गया है, इसलिए ये एरर है या वार्निंग है। तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा, आपको क्या करना है, सिंपल ये डेड लोड में जो आपको सेल्फ वेट दिख रहा है इसको आपको डिलीट करनी है और डिलीट करने के बाद आप पहले स्ट्रक्चर चेक कर लीजिए एक बार कि सभी है कि नहीं। यहाँ पे देखिए बीम कॉलम स्लैब तीनों है और तीनों को लास्ट में अब यहाँ पे आपको सेल्फ वेट लेना है। ऐड किया आपने, क्लोज किया और यहाँ पे अब इसको असाइन टू व्यू करना है। असाइन टू व्यू मतलब जितना भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो भी स्ट्रक्चर मेंबर है, सब में ये लग जाएगी। देखिए सब में आपने अप्लाई कर दिया। अब आप इसको देखेंगे एनालाइज करके, यहाँ पे देखिए एनालाइज नहीं दिख रहा है, इसको रिपोर्ट फाइल को आपको कट करना है
एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि अब कोई भी ऐसा एरर या वार्निंग नहीं है। देखिए ये सॉल्व है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि आपको सीक्वेंस मिसमैच नहीं करना है। सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी दे दिया, फिर दे दिया सपोर्ट, और सपोर्ट प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री बनाने के बाद ही आपको फाइनल लोड्स में जाना है। ओके, तो यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हुआ, इसके वजह से ये एरर आया है। तो यहाँ पे इसकी रिकवरी इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एरर में। नेक्स्ट एरर है इंडियन कॉन्क्रीट कोड इज नॉट सपोर्टेड। बहुत इजीली ये बता रहा है कि इंडियन कोड सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक्चुअल में मिस्टेक होती कब है इसको पहले देख लेते हैं। जब भी आप स्टैट प्रो ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू प्रोजेक्ट आप ओपन करने जाते हैं, लेकिन यहाँ लाइसेंस कॉन्फिगरेशन में अगर आपने ये चेक नहीं किया इंडियन कोड, तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे उसके बाद जो भी सॉल्व करेंगे लेकिन कॉन्क्रीट का डिजाइन यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब चेक करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए इंडियन डिजाइन कोड, एडवांस एनालिसिस, ग्लोबल डिजाइन कोड, ये तीनों आपको चेक करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एरर में। नेक्स्ट हमारा एरर है बीम फेलियर ड्यू टू सेक्शन इज टू स्मॉल। यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि बीम फेल हो गया भाई, क्योंकि सेक्शन बहुत छोटा था। मैंने यहाँ जानबूझ के सेक्शन को बहुत छोटा लिया था, उसके बाद जब हमने इसको डिजाइन करना चाहा तो डिजाइन करते समय यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए, द बीम एक्सिट सिलेंडरनेस लिमिट, फेल्ड टेंशन कैलकुलेशन फॉर हॉगिंग, ये सारे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये बिकॉज ऑफ सेक्शन बहुत छोटा था। इसलिए देखिए बीम फेलियर, कॉलम फेलियर के रीजंस बहुत सारे होंगे। इसी को दूसरे शब्द में ये बोल सकते हैं, सेक्शन इज इनएडिक्वेट। अगर ऐसा कोई एरर आता है तो आपको रिजॉल्व करने के लिए एक बार क्रॉस सेक्शन में जाके क्रॉस सेक्शन को चेक करना है, और वहीं से आपको अपडेट करते हुए फिर से डिजाइन में क्लिक करते हुए फाइनल डिजाइन करना है, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे स्ट्रक्चर रेडी है हमारा, सारे लोड्स हमने अप्लाई कर दिया। एक बार एनालाइज हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एनालाइज किया, और एनालाइज करते हैं यहाँ पे देख रही है कॉन्क्रीट डिजाइन लिखा हुआ, इसको मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे कॉन्क्रीट मेंबर में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने डिजाइन करके रखा हुआ है, तो मैं डिजाइन में क्लिक करता हूँ, और मैंने डिजाइन में क्लिक किया तब आपको दिख रहा है ये एरर्स। तो इसको रिकवर करने के लिए बहुत ही आसान स्टेप्स आपको लेने हैं। आपको जाना है ये मेजर फाइल में, आपने यहाँ मॉडलिंग फाइल में गए और सेक्शंस में जाना है, देखिए प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी में जाके आपको ठीक करना है। यहाँ पे देखिए 50 mm, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना हम लेते ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। 300 और 230 मैंने यहाँ पे मान लीजिए क्रॉस सेक्शन लिया, चेंज किया, यस। तो यहाँ पे आपने बदल दिया प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज को बदलने के बाद फिर से आप इसको एनालाइज करके सेव करेंगे, और जाके फिर से आपको डिजाइन करना पड़ेगा वो स्टेप्स, और आप डायरेक्टली देखेंगे कि वो रिजल्ट सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से हम एरर्स की रिकवरी कर सकते हैं। फ्रेंड, सिविल गुरुजी लाया है बिल्डिंग ट्रेनिंग। बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको मिलता है एस्टिमेशन, बिलिंग क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, सर्वेइंग बाय ऑटो लेवल। उसी के साथ आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग में ऑटोकैड, रेविट, गूगल स्केचअप, 3ds मैक्स, वी रेस, लूमियन, एस्केप, वास्तु का कोर्स, और उसी के साथ स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में ई टैप्स, स्टैट प्रो, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा एड ऑन कोर्सेज के साथ ये सारी चीज आपको मिल रही है बिल्डिंग ट्रेनिंग में। और उसी के साथ हाईवे ट्रेनिंग में आपको दिया जा रहा है हाईवे लेयर्स, सर्वे, चैनिंग, लेवलिंग, कैलकुलेशंस, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, कैम्बर्स, सेंटर लाइन मार्किंग बाय टीएस, हाईवे एस्टिमेशन, बिलिंग कंप्लीट, पूरे हर एक चीज आपको हाईवे से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स में, जिसमें बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाईवे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये सारी चीज अवेलेबल है, जो कि 730 डेज कोर्स वैलिडेशन है। डेली आपके डाउट सेशंस होंगे, प्रोजेक्ट केस स्टडी कराया जाएगा, प्रोजेक्ट्स के ड्राइंग डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन ये सारे एड ऑन कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 12th ऑफ सितंबर तक। ओनली 519 इंजीनियर्स के लिए ऑफर बचा हुआ है, जिसका एक्चुअल प्राइस तो है 66,500 रुपीज, लेकिन गुरुजी का कोड अप्लाई करते ही आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 17,519 रुपीज में। जी हाँ दोस्तों, 17,519 रुपए में ये सारी चीजें, बिल्डिंग से रिलेटेड, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाईवे, सारी चीज आपको मिल रही है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 17,519 रुपीज। देर मत कीजिए, ऐसा ऑफर बिल्कुल नहीं मिल सकता दोबारा। कॉल करें अभी 9111001234 पे और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें।
और इतना ही नहीं दोस्तों, इसी के साथ आपको मिलेगा पूरा पूरा ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, और उसी के साथ मिलेगा हाईवे कंस्ट्रक्शन का भी सर्टिफिकेशंस और सारे सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स और सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के भी आपको इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, किस बात का इंतजार करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।